क्लैट के अलॉटमेंट ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाले हैं और अभी सबके दिमाग में 100 चीजें चल रही होंगी, भाई किस कॉलेज को प्रिफर करना है और किसको नहीं। सो इसीलिए हम लेकर आए हैं एक और एपिसोड 100 का शोडाउन का। हेलो एवरीवन, दिस इज स्मृति शर्मा, सीनियर मेंटर लीगल एज, और आज हम बात करेंगे MNLU नागपुर के बारे में। महाराष्ट्र में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है MNLU मुंबई की वीडियो में, 3 NLUs हैं, उनमें से दूसरे नंबर पे है MNLU नागपुर। अगर आप MNLU मुंबई को प्रेफर कर रहे हो तो फटाफट जाके वो वीडियो देख लेना, ताकि आप इन दोनों कॉलेजेस में भी एक स्ट्राइकिंग कंपैरिजन कर पाओ। ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम एंड जंप राइट ऑन व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट MNLU नागपुर। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ऐसी है MNLU नागपुर के बारे में जो आपको बेसिक पता होगी, कि सबसे पहली बात तो बहुत नया NLU है, 2016 में ही इस्टेब्लिश हुआ है, प्रमोट हुआ था। ठीक है, और पहला बैच अगर आप मानो 5 ईयर्स का, 2021 के आसपास ही निकला होगा। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा बैचेस नहीं है, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं है स्टूडेंट्स के पर से, पर जो लोग वहाँ से पास आउट हो रहे हैं या जो अभी स्टडी कर रहे हैं, उनके मोरलेस पॉजिटिव साइड पे ही रिव्यू है कि नए NLU के हिसाब से MNLU नागपुर काफ़ी अच्छा जा रहा है। ओके, सो MNLU नागपुर स्टैब्लिश्ड इन 2016, लोकेटेड इन नागपुर महाराष्ट्र, वरंगा करके एक जगह है नागपुर में, थोड़ा सा आउटस्कर्ट। कम्यूटेशन आपने मानिए कि रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से अप्रॉक्सीमेटली 17 to 18 किलोमीटर्स है। आपको हाफ एन आवर सिटी एरिया से बाहर जाके MNLU नागपुर के कैंपस में अलॉटमेंट होता है। दूसरा, एलिजिबिलिटी बहुत बेसिक है, अब ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्लैट हो चुका है, आप लोग उसके लिए एलिजिबल तो हो ही। अब बस फिंगर क्रॉस्ड वेट करते हैं रैंक का, ताकि पता चले कि हमें MNLU नागपुर मिल रहा है या फिर किसी और NLU में हम लोग जा रहे हैं। ओके, इसके अलावा बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 45% फॉर जर्नल PWD कैंडिडेट्स एंड 40% फॉर ST/ST कैंडिडेट। सो जिन लोगों का भी 12th नहीं हुआ है और वो सोच रहे हैं कि यार एडमिशन तो हो ही जाएगा, जस्ट मेक श्योर कि आपको ये मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, नहीं तो एंड मोमेंट पे आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है अगर आपने ये या इतना परसेंट क्लियर नहीं किया अपने 12th में। इसके अलावा बेसिक कोर्सेज जो ऑफर करता है MNLU वो है BA LLB, BBA LLB, दैट इज बेसिक ऑनर्स, जो कि हमने बहुत सारे कॉलेजेस में भी देखा। एक बहुत स्ट्राइकिंग फीचर जो कि MNLU के बारे में है, जो कि शायद कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, वो है उसका BA LLB कोर्स इन एजुडिकेशन एंड जस्टिसिंग ऑनर्स। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बात भी करेंगे। तो जिन लोगों का इस कोर्स में इंटरेस्ट है या जिन लोगों में ऐसा है कि उनको जज बनना है आगे जाके, वो इस कोर्स के लिए भी ऑप्ट करते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं। इसके अलावा बेसिक LLM है, PhDs हैं, जो कि आपके बाद में काम आएंगे। अब बात करते हैं BA LLB ऑनर्स इन एजुडिकेशन एंड जस्टिसिंग। ये कुछ तो डिफरेंट साउंड कर रहा है कि आखिर है क्या, दिमाग चलता भी है इस चीजों में। तो सबसे पहले तो ये समझो कि नॉर्मल BA कोर्स आपको हर तरीके का लॉ पढ़ाएगा, हर तरीके का सराउंडिंग देगा। ये कोर्स एक स्पेसिफिक कोर्स बनाया गया है, एक नीश फील्ड में कोर्स बनाया गया है, कि जिन लोगों को आगे जाके वो सोचते हैं कि वो जजशिप में जाएंगे, आपको आगे जाके जज बनना है, उनके लिए ये स्पेशली क्रिएटेड कोर्स है। उनके लिए ही ये क्रिएट किया गया है कि आप लोगों को पूरे 5 साल में उसी लेवल की प्रिपरेशन की जाएगी और उसी लेवल का प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा अगर आपको जज बनना है बाद में। सो मेनली 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, डिग्री आपको वही मिलेगी BA LLB BA LLB, डिफरेंस सिर्फ ऑनर्स का है। उसमें आप नॉर्मल ऑनर्स करते हो, यहाँ पे आप ऑनर्स इन एजुडिकेशन एंड जस्टिसिंग करोगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और रेगुलर इंटर्नशिप के बारे में बहुत ज़्यादा इस कोर्स में फोकस किया जाता है। तो अगर आपने कभी भी इसका ब्रोशर पढ़ा होगा या MNLU की वेबसाइट विजिट करेगी, तो आपने बहुत डिटेल्ड में देखा होगा कि ये लोग इंटर्नशिप्स देते हैं आपको जजेस, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के अंडर, और इनका जो 10th सेमेस्टर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 साल के कोर्स की बात करो सेमेस्टर सिस्टम में, तो आपको 10 सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है। जो 10th सेमेस्टर होता है वो एक असेसमेंट इंटर्नशिप होती है किसी भी जज के अंडर, जो कि इनके कोऑर्डिनेशन में ही होते हैं, इनके रिलेशंस में ही इन लोगों ने MOU साइन किया होता है कि हम आपको इतने बच्चे भेजेंगे, आपको उनके असेसमेंट इंटर्नशिप करवानी है।
ओके, सो दैट इज अ वेरी स्ट्राइकिंग फीचर. हम सब चाहते हैं कि यार जज बनने से पहले कोई तो प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए, वो एक बार पता चल जाए कि जज काम कैसे करता है. तो अगर यू आर लुकिंग फॉर सच एन एक्सपोजर, देन दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन. अब इसका सीट इनटेक अप्रोक्सीमेटली 60 होता है, इंक्लूडिंग ऑल द रिजर्वेशन. सीट इनटेक की बात करूंगी तो BA LLB वाला जब बताऊंगी तो ऑलमोस्ट वैसा ही सीट इनटेक है, 60 का सीट इनटेक है. फीस स्ट्रक्चर 2,60,000 रुपए, तो अप्रोक्सीमेटली BA LLB से थोड़ा सा 40-45,000 ऊपर जाता है, पर 2,60,000 इट्स अ फेयर डील फॉर 5 ईयर्स एजुकेशन कोर्स. अगर बहुत अलग से कुछ मिल रहा है और हमें इतना एक्सपोजर मिल रहा है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के साथ में भी, और यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स वगैरह में भी. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उन कोर्ट्स का, पर आपको ट्राइब्यूनल्स का एक्सपोजर भी मिलता है, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह हो गए. एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. मैम क्लैट देना है नहीं देना है, इसमें क्लैट का स्कोर काम आएगा, क्लैट के बिना भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझो. क्लैट के बिना नहीं होगा. आपने क्लैट 2023 का जो भी पेपर दिया है अभी, और आपकी जो भी रैंक आएगी वो इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर में बहुत काम आएगी. दैट इज द फर्स्ट एंड द वेरी फर्स्ट स्टेप टू बी एलिजिबल फॉर दिस कोर्स. तो जब तक आपके पास क्लैट 2023 का फॉर योर केस नहीं होगा स्कोर, तब तक आप इसके लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते. अब एक बार आपके पास क्लैट की रैंक आ गई, आप अपने एप्लीकेशन सबमिट करोगे. अभी एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी, MNLU नागपुर की वेबसाइट पे. क्लैट कंसोर्टियम का इसमें कोई हाथ नहीं होता, ये कोर्स अलग से कराया जाता है. सो MNLU नागपुर की वेबसाइट पे आप जाओगे, वहां पे एप्लीकेशन अपलोड होगी और एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, अपना फॉर्म भरना है क्लैट स्कोर के साथ में. अब क्लैट स्कोर के बेसिस पे अराउंड 300 स्टूडेंट, दैट इज 1:5 के रेशियो में, 60 सीट्स हैं, 300 स्टूडेंट्स को वो शॉर्टलिस्ट करते हैं सिर्फ क्लैट स्कोर के बेसिस पे. उन 300 स्टूडेंट्स का ग्रुप डिस्कशन होता है. ग्रुप डिस्कशन इज द फर्स्ट राउंड ऑफ योर स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग. जो लोग उस ग्रुप डिस्कशन में टॉप 120 में होते हैं, ठीक है, दैट इज 1:2 के रेशियो में वो लोग शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं ग्रुप डिस्कशन राउंड में. एंड देन फाइनली आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होता है, और साइकोमेट्रिक टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के बाद में टॉप 60 बच्चे निकाले जाते हैं. सो ऐसा नहीं है भाई, कोई ऐसा सोच रहा हो कि ये तो बहुत आराम से क्लैट के स्कोर पे हो जाएगा, ये सिर्फ मेरिट लिस्ट आ जाएगी जैसे सुपर न्यूमरी सीट्स में आती है. नहीं, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप देना पड़ेगा, बिकॉज इनका कहना सिंपल सा ही है कि हम जिस लेवल की प्रिपरेशन करा रहे हैं उसके लिए बच्चे का माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि हाँ उसे जाना इसी फील्ड में. सो अंटिल अनलेस यू आर वेरी श्योर ऑफ द फैक्ट कि हमें 5 साल यही चीज करनी है, यही चीज पढ़नी है, इसी चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज होना है, आई सजेस्ट फिर आप BA LLB कोर्स ही या BB LLB कोर्स ही लेना, इस कोर्स की तरफ मत जाना. पर अगर आप बहुत क्लियर हो स्टैंड पे तो यू कैन गो विद दिस कोर्स, बिकॉज किसी और NLU में ये कोर्स नहीं दिया जाता. अब आ जाते हैं कॉलेज के पास में. आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा कि एजुकेशन में जाना है या फिर नहीं. कॉलेज कैंपस की बात करें तो अर्ली जब 2016-17 में ये कैंपस बना था तो इनके पास बहुत ज्यादा खुद का कैंपस नहीं था, वो लोग रेंटेड बिल्डिंग्स में ही चलाते थे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में ही उन लोगों ने हॉस्टल्स वगैरह प्रोवाइड कर रखे थे. बट अब कुछ एक स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर लेवल का ये लोग एम कर रहे हैं कैंपस बनाने का, जो कि कुछ फेजेस में बनेगा, Phase 1, Phase 2 and Phase 3. Phase 1 ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है, जिसमें आपकी एकेडमिक बिल्डिंग, हॉस्टल, एम्यूनिटी सेंटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स वगैरह सब बन चुके हैं. इसके अलावा एक बहुत स्ट्राइकिंग फीचर जो कैंपस का है वो ये कि उन लोगों ने नॉर्मली हर कैंपस को ऐसे आर्किटेक्चर से नहीं बनवाया, जबकि एक लिमिटेड आर्किटेक्चर डिजाइन कॉम्पिटिशन हुआ था 2017 में, उसके जो विनर का आर्किटेक्चर डिजाइन था वही MNLU नागपुर का आर्किटेक्चर डिजाइन है. तो अगर आप नॉर्मल गूगल करके इमेजेस देखेंगे, अगर आपने कुछ स्टूडेंट वीडियोस देखे होंगे इस कॉलेज के बारे में, तो आप देखना कि बहुत डिफरेंट है, और अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि यार सारे NLU में बहुत अच्छा कैंपस है. एक अच्छा कैंपस हमने पहले भी देखा था, जैसे GNLU हो गया, RGNL हो गया, अब सारे कैंपसेस नए और मॉडर्न एमिनिटीज की तरफ जा रहे हैं. तो दैट इज वन ऑफ द कैंपस, और MNLU नागपुर का एक प्लस पॉइंट ये जरूर है कि हम इस कैंपस को देख के थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार
ये तो सही चीज है, यहाँ तो जाना बनता है, बट रैंकिंग के हिसाब से हम स्टिल महाराष्ट्र में MNLU मुंबई को सिटी का प्रेफरेंस भी देते हैं, तो वो उस ऊपर लेवल पे रखा जाता है। वो टॉप 10 NLUs 12 NLUs तक आप प्रेफर कर सकते हो, और MNLU नागपुर थोड़ा सा नीचे आ जाता है उस कैटेगरी में, बिकॉज अभी प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और बहुत सारे स्टूडेंट परफॉर्मेंस का डेटा नहीं है, वो बहुत ब्रांड न्यू है। सो आप देख पा रहे होंगे इमेज, कुछ कुछ कैंपस के ग्लिम्स आपको उनकी वेबसाइट पे भी दिखेंगे, ये ग्लिम्स। ये लाइब्रेरी है उनका, आई थिंक मंदिर वाला एरिया है, ये हॉस्टल एरिया है, कंप्यूटर रूम एंड मेस। सो इट्स लुक प्रिटी लुक्रेटिव फॉर अस कि यार कैंपस तो बहुत अच्छा है, जाया जा सकता है। सो जो भी बच्चे इसमें जाने के लिए प्रेफर कर रहे हैं या सोच रहे हैं, यू आर गुड टू गो विद रिगार्ड्स टू दी कैंपस। बट अब आगे अगर अपन बात करें कि भाई हॉस्टल अकोमोडेशन कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा MNLU नागपुर में, हॉस्टल्स क्योंकि नए बने हैं एंड धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, तो बहुत बेसिक एमिनिटीज तो वो लोग दे भी रहे हैं आपको, बेड हो गया, टेबल हो गया, कबर्ड हो गया, वाईफाई है, वाटर कूलर्स हैं, ठीक है, और वॉशिंग एरियाज भी उन लोगों ने दे रखे हैं एवरी ब्लॉक में, एवरी स्टेप ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स के पास में एक वॉशिंग एरिया, एक कॉमन वॉशरूम है। सो डिसेंट इनफ कह सकते हैं कि भाई 5 साल सर्वाइवल के लिए हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। ऑलमोस्ट सारे ही कैंपस के हॉस्टल्स इसी तरीके से होते हैं। मूविंग अहेड, कुछ कोर मैनेजमेंट अगर आपने नाम सुने हो, वाइस चांसलर इनके प्रोफेसर डॉक्टर विजेंद्र कुमार, रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर आशीष दीक्षित, डिप्यूटी रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर चंद्रवर्ती रामेश कुमार। इसके अलावा बहुत सारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी MNLU नागपुर ने अपॉइंट कर रखे हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार 1, 2, अकेडमिक अलग असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं जो कि हैंडल करते हैं। सो बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं यहाँ पे। सो एक के साथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, सबके अलग अलग एक टाइटल हैं, एक आप ये मानिए कि डिपार्टमेंट्स हैं जो कि वो लोग हैंडल कर रहे हैं। सो इस मामले में हम मान सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सॉर्टेड चल रहा है। सो बाद में आके कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकता है, हमको नहीं फेस करनी पड़े। ये एक तरीका होता है जज करने का किसी कॉलेज को कि हाँ उसका एडमिनिस्ट्रेशन अगर अच्छा है तो कॉलेज लॉन्ग रन में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, सीट्स कितनी है, किस किस को मिलने वाली है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स 46 सीट्स, जब आपने अगर MNLU मुंबई वाला वीडियो भी देखा होगा, तो महाराष्ट्र के जनरली कॉलेजेस में महाराष्ट्र के डोमिसाइल का कोटा बहुत हाई होता है, और यही कुछ केस है MNLU नागपुर के कैटेगरी में भी। अनरिजर्व कैटेगरी 46 है, तो अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी के हो ऑल इंडिया लेवल पे, तो भी आप अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट होगे, दैट इज 46 सीट्स के अंदर ही आप काउंट होगे। उसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र डोमिसाइल के किसी भी वर्टिकल रिजर्वेशन में फॉल करते हो, दैट इज ST में हो, SC में हो, या फिर कोई नोटिफाइड ट्राइब हो, नोमेडिक ट्राइब हो, उनके लिए हमने अलग अलग रिजर्वेशन दे रखे हैं। तो ये महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है कि डोमिसाइल की बेसिस पे आपकी ये रैंकिंग वेरिएट कर सकती है। तो उसमें होता फायदा ये है कि अगर आपकी हाई रैंक भी है और बहुत कम बच्चे हैं आपकी कैटेगरी में, तो आपको हाई रैंक पे भी एक NLU का टैग, एक NLU का ब्रांड मिल जाएगा। पर इसमें एक थोड़ा सा नुकसान कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि डोमिसाइल क्राउड बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखें, आपको वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 120 कैंडिडेट्स का टोटल पूल है BA कोर्सेज में अलोंग BBA कोर्सेज में एज वेल। तो 120 के पूल में 46 अनरिजर्व है, दैट इज ऑल इंडिया कैटेगरी के बच्चे 46 हैं, उसमें ST SC OBC जनरल कैटेगरी सब आ गए ऑल इंडिया लेवल पे। उन 46 50 सीट्स आप मान लो कि टेंटेटिवली, बाकी 70 का क्राउड इज कंप्लीटली महाराष्ट्र डोमिसाइल बेस्ड। तो ये थोड़ा सा पूल, ये थोड़ा सा जो आपका डाइवर्सिटी होता है उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है, तो कुछ बच्चों को ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट रखता है। सो आपका अपना खुद का एक जजमेंट होना चाहिए कि हाँ मुझे इस तरीके के थोड़ा सा हाई डोमिसाइल कैटेगरी वाले कॉलेज में जाना है कि नहीं जाना, बिकॉज सेम इज द केस विद MNLU मुंबई एज वेल। मूविंग फॉरवर्ड एंड कमिंग टू द कट ऑफ, जो कि अभी सब लोगों को लग रहा होगा कि यार कोई ये बता दो 2023 का कट ऑफ कैसा जाने वाला है। टू बी वेरी फ्रैंक, जिस तरीके का पेपर गया है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ डाउन जाएगा, पर कितना डाउन जाएगा वो जब तक रैंक लिस्ट नहीं आती हम कुछ नहीं बोल सकते, बट कट ऑफ रैंक इतना ही जाता है। तो कितने स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा वो अब सोचना छोड़ दो, अब सिर्फ और सिर्फ रैंक लिस्ट पे फोकस करो
जनरल कैटेगरी दैट इज द अनरिजर्व कैटेगरी जिसकी 46 सीट्स की मैंने बात करी थी, उसकी लास्ट कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1600 1500 के आसपास की रैंकिंग पे जाती है. सो 2022 का अगर पेपर देखें तो 1657 पे लास्ट कैंडिडेट को एडमिशन मिला था 2021 में. 2022 रैंक पे मिला था और 1575 मिला था 2020 में. अब इसका स्कोर बाइफरकेशन अगर अपन देखें तो अप्रोक्सीमेटली 73 74 के आसपास रैंक स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो मतलब एनी स्टूडेंट हु इज नियर अप्रोक्स दिस रैंक या फिर नियर अप्रोक्स दिस मार्क एज कैन एक्सपेक्ट कि उसे MNLU नागपुर तक कॉलेजेस मिल जाएंगे और उसके नीचे वाले कॉलेजेस भी मिल जाएंगे. इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि SC ST और OBC कैटेगरी में सिर्फ महाराष्ट्र डोमिसाइल ही लगता है, तो ये रैंक जो लिखी है वो उसी हिसाब से लिखी हुई है. जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया, SC कैटेगरी की रैंक 2020 में 27,000 अप्रोक्स थी, 31,000 इन 2021 एंड 11,816 इन 2022. स्कोर 29-30 के आसपास का वेरिएशन है. SC कैटेगरी में 50,000, 37,000, 43,000, मतलब 40 से लेके 50,000 के बीच में महाराष्ट्र कैटेगरी में रेंज करती है. और OBC में 13,000, 19,000 एंड 8,987 इन 2022, जो कि कंपैरेटिवली बहुत हाई रैंक थी. ठीक है, सो आप देख सकते हो. आई होप यू कैन गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज दिस वेल. जब भी आपकी रैंक लिस्ट आएगी तो आपको थोड़ा सा जजमेंट करने में फायदा मिलेगा. 2022 के वेरिएशन से थोड़ा ज्यादा क्लोजली जजमेंट करना, बिकॉज जैसे जैसे सीट्स बढ़ती हैं वैसे वैसे रैंक का वेरिएशन भी आता है. तो 2020 और 2021 में थोड़ी कम सीट्स थी, 2022 में वो बढ़ाई गई थी. उस हिसाब से ये वाली रैंक थोड़ी सी क्लोजर होगी आपके लिए, बेटर होगी अंडरस्टैंड करने के लिए कि 23 में कितने चांसेस है मुझे MNLU मिलने के. अब बात करते हैं भैया पैसा कितना लगने वाला है. तो ऑन एन अप्रोक्स जितने भी NLUs हैं उनका यही प्राइस रेंज रहता है वन ईयर कोर्स का, दैट इज 2,15,000. द ओनली डिफरेंस हियर इज जो हमने BA LLB का एडजुडिकेशन एंड जस्टिसिंग वाला कोर्स देखा था उसमें 2,60,000 थी और इसमें 2,15,000 है. तो 45,000 का थोड़ा अलग मे भी हो सकता है कि वो जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दे रहे हैं उसका एक एक्स्ट्रा चार्ज है. उसके अलावा बेसिक सारी फीस यहाँ पे कवर है, मेस चार्जेस एंड एवरीथिंग. 2,15,000 के आसपास का फीस पड़ता है आपका. सो प्रिटी अफोर्डेबल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू गो टू एन NLU. अगर आपको इतना प्राइस रेंज में ही कोई NLU मिल रहा है और आपको वो एक NLU का टैग भी मिल रहा है साथ में, तो इट्स नॉट अ बैड डील टू गो फॉरवर्ड विद. इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कॉलेज का मोर और लेस बहुत ज्यादा नाम नहीं है. अभी आपने बहुत ज्यादा मूट कोर्ट्स या डिबेट्स वगैरह के टाइम पे इसका नाम इसलिए नहीं सुना होगा बिकॉज बैचेस ही पास आउट नहीं हुए हैं. 2016 से अगर 2022 की बात करते हैं तो 7 ईयर्स का बैच पूल अभी तक चल रहा है, तो बहुत कम स्टूडेंट पूल भी है. तो उस हिसाब से भी जज करना थोड़ा बहुत, बट ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है. सम ऑफ द रेनाउंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और अवार्ड्स जो कि कॉलेज ने दिए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सफर्ड प्राइज मीडिया मूड में जो 6th रैंक थी उनकी नेशनल राउंड्स में, ठीक है. जस्टिस PN भगवती इंटरनेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन होता है जो कि ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन है, उसमें ये टीम रनर अप रही थी. सो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जरूर है. सो आप फ्यूचरिस्टिक व्यू से अगर देखो तो कॉलेज ग्रोइंग प्रॉस्पेक्ट पे है. हमने बच्चों से भी बात करी थी, रिव्यू लिया था और उनका भी यही कहना है कि मैम सीरियसली कॉलेज ग्रो जरूर कर रहा है. एक बार थोड़ा स्लो पेस पे मान सकते हैं बिकॉज बहुत ब्रांड न्यू है, बट कॉलेज ग्रो जरूर कर रहा है. तो किसी को कंसिडर करना है तो इट्स अ वेरी गुड कॉलेज टू गो फॉरवर्ड विद. सो दैट्स वन पॉजिटिव एंड सम ग्लिम्स ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इन द स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन दैट. आई होप आप में से भी कोई बच्चा कहीं ना कहीं इस पिक्चर में आगे आने वाला है. इसके अलावा कुछ कमिटीज एंड क्लब्स हैं, सो जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बहुत ज्यादा बता चुकी हूँ, जिनको नहीं पता है वो पिछली वीडियोस देख सकते हैं जाके. कुछ कुछ कमिटीज आपकी शुरू से ही डिसाइड हो जाती हैं या फिर आपका एक माइंडसेट हो जाता है कि यार मुझे इस कमिटी में जाना है बिकॉज मेरा ये इंटरेस्ट एरिया. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको IPR में इंटरेस्ट है तो IPR का सेंटर ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. अगर आपको आर्बिट्रेशन में इंटरेस्ट है तो आप शुरू से वहीं पे जा सकते हो एंड 5 साल उस पर फोकस कर सकते हो. इसी तरीके से कुछ कमिटीज एंड क्लब्स MNLU नागपुर में भी हैं, जैसे सेंटर फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो कि मैं आपको बता रही थी, सोसाइटी फॉर लॉ एंड इकोनॉमिक्स. सो द स्टूडेंट्स हु आर इंक्लाइन टू वर्ड्स और विश टू लर्न इकोनॉमिक्स
एंड लॉ का अमलगमेशन कैन गो फॉर दिस सेंटर. देर इज लीगल एड कम्युनिटी, मेंटल हेल्थ टीम भी बनाई गई है, इंटर्नशिप कम्युनिटी है, एक्सेट्रा. ओके, सो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से गो फॉरवर्ड विद इट. अब प्लेसमेंट और इंटर्नशिप, जिसके अराउंड सबके क्वेश्चंस और सबका डिसीजन वेरी करता है, दैट इज क्या पैकेज जाता है, कितना रहता है, क्या रहता है. देखो, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रही थी, 16 का पहला बैच आया है तो वो पास आउट ही 2020 और 2021 में है. तो 18, 19 और 19-20 का तो अपने पास कोई डेटा नहीं है, जो कि हम पिछले एनएलयू उसका कंपेयर कर रहे थे. पर अगर 2020 का डेटा अपन कंसिडर करें तो 54 कुछ स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें से 10 स्टूडेंट्स प्लेस भी हुए थे. सो नॉट अ बैड डील. 1/5 स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड एंड एवरेज सैलरी वो समवेयर अराउंड 7,80,000. अगर आपने आरएमएल और आरजीएनएल का वीडियो देखा होगा तो उनकी भी एवरेज सैलरी ऑलमोस्ट इसी तरीके से है. सो एक महाराष्ट्र का अपर हैंड मिल जाता है स्टूडेंट्स को. सो नॉट अ बैड डील फॉर द स्टूडेंट्स, जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, लोअर एनएलयू में कुछ भी नहीं है. नहीं, लोअर एनएलयूज में भी बहुत स्कोप है. सो एक बार कंसिडर जरूर करके देखना कि अगर आपको इस तरीके से करना है. टॉप रिक्रूटर्स बहुत मेजरली कुछ आपके अमरचंद वगैरह लेवल के नहीं है, बट हाँ, महाराष्ट्र के लोकल जो रिक्रूटर्स हैं वो काफी प्रमोट करते हैं, इन हाउस काफी प्रमोट करते हैं. बिफोर वी रैप अप दिस वीडियो, देर आर सम एफएक्यूज दैट आई वी टू डिस्कस, जो कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा कॉमनली पूछते हैं एमएनएलयू के बारे में. दैट इज फर्स्ट, विच कॉलेज टू चूज बिटवीन एमएनएलयू, मुंबई, नागपुर एंड औरंगाबाद. अब देखो, रैंकिंग के हिसाब से बात करोगे या फिर स्टूडेंट रिव्यू के हिसाब से बात करोगे, तो एमएनएलयू मुंबई को स्टूडेंट सबसे पहले रखते हैं, फिर एमएनएलयू नागपुर एंड देन फिर औरंगाबाद. बिकॉज जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है मेन सिटी एरिया से, वैसे वैसे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वहाँ पे स्कोप और अपॉर्चुनिटीज थोड़ा सा कम है. ठीक है, सो इन जनरल भी अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट देखनी है या फिर अगर आपको इन तीनों महाराष्ट्र कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप एमएनएलयू मुंबई को ऊपर रख सकते हैं, देन नागपुर एंड देन औरंगाबाद. हाउ बी एल एल बी ऑनर्स इन एजुकेशन एंड जस्टिस इन डिफरेंट फ्रॉम दी अदर यूजी कोर्सेज, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रही थी, नहीं है तो रिवर्स करके स्लाइड को दोबारा देख लेना. सेकेंड नंबर पर हमने समझाया भी था, ये कोर्स सिर्फ उनके लिए है या फिर उस प्रस्पेक्टिव के बच्चों के लिए है जिनको आगे जाके सिर्फ और सिर्फ एक फोकस के साथ में जज करना है. ओके, उनको जज बनना है, दैट्स इट. पर अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं जुडिशरी में भी जा सकता हूँ, मैं लिटिगेशन में भी जा सकता हूँ, मैं कॉर्पोरेट में भी जा सकता हूँ, मैं और एक्स वाई जेड कितने भी एग्जाम्पल्स ले सकता हूँ, अभी आई एम ओपन टू ऑप्शन, देन उसके लिए आपका बी ए एल एल बी या बी बी एल एल बी कोर्स बेटर रहेगा. तो ये एक बहुत नीश फील्ड है, इसका डिसीजन बहुत क्लियर माइंड से लेना, बिकॉज आपको 5 साल फिर उसी के सराउंडिंग सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी है. वॉट टू चूज बिटवीन बी ए एंड बी बी ए, अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन. बीए और बीबीए में क्या चूज करें? देखो, आइडियली आपका हायर इंटरेस्ट पे मैटर करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में ज्यादा है. सो अगर आप बीए ओरिएंटेड कोर्सेज में, ठीक है, लॉ दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बीए ओरिएंटेड कोर्सेज, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर बीबीए एलएलबी कोर्सेज लाइक अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, अकाउंट्स एंड एवरीथिंग, तो आपका इंटरेस्ट पूल किस में ज्यादा है उस बेसिस पे आप जनरली बीए और बीबीए एलएलबी डिसाइड करते हो. ठीक है, सो अगर किसी बच्चा सोचता है कि यार मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ बीबीए के सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, तो आप उसमें भी जा सकते हो. स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, सिर्फ एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस इतना सा है कि बीए बहुत पुराना चला आ रहा है और बीए एक बहुत वेल नोन कोर्स है. इसमें आपको स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी या फील्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी निम्रस हो जाएंगी. ठीक है, जैसे कि बीए एडजुडिकेशन कोर्स में आपकी एक नीश फील्ड चूज होती है, वैसे ही बीबीए में भी आप एक थोड़ी सी नीश फील्ड चूज कर रहे हो कि आप कॉमर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने में ही ध्यान दे रहे हो. ठीक है, सो द ओनली स्लाइट डिफरेंस इज दैट कि बीए बच्चे इन जर्नली इसलिए प्रेफर करते हैं या फिर इतना ज्यादा अपर एंड इसलिए होता है, पढ़ना ईजी होता है और ओपन टू ऑल दी अपॉर्चुनिटी, विल बी ओपन टू ऑल दी अपॉर्चुनिटी. बीबीए में आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर रहे हो कि नहीं, मुझे कॉमर्स या बिजनेस एडमिन जैसे सब्जेक्ट में ही जाना है. ठीक है, सो आई होप जब आप एनएलयू डिसाइड करो तो आप इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके, सब एकदम तोल भाव करके ही अपना एनएलयू डिसाइड करना, बिकॉज जो भी डिसाइड करोगे उसके साथ में 5 साल रहना पड़ेगा. एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. अगर कोई भी कॉन्टैक्ट है तो लास्ट स्लाइड में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स का बॉक्स था उसका स्क्रीन शॉट ले लेना,
और आप MNLU नागपुर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी एडमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ड्यूरिंग दी काउंसलिंग प्रोसेस। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद हैं तो डेफिनेटली लाइक अस, सब्सक्राइब एंड शेयर लीगल एज, ताकि हम मल्टीपल वीडियोस आपके लिए ला सकें आपके डिसीजन को आसान करने के लिए। थैंक यू सो मच।